शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शिकवा किया कि हुकूमत ने रिलीफ फराहम करने का कहा था, कहाँ है रिलीफ? मजीद उनका क्या कहना था, आपको सुना देते हैं। सरवाइव करना छोड़ें, शायद इनको चाहिए IMF को कि बम मार दें, एक हिसाब ख़त्म कर दें। इस गाड़ी पर मैं 1300 रुपये पर डे अब डलवाऊँगा। बम गिरता है ना सर हमारे ऊपर, क्या करें? पहले इतना महंगा पेट्रोल है, डेली का 300 रुपये का पेट्रोल, हमारा ऑफिस का आने जाना, इतनी सैलरी नहीं है जितनी महंगाई है। बस पहले ही बड़ा मुश्किल से हो रहा था गुजारा, तो अभी 5 रुपये और बढ़ा दिए, अभी तो और ज़्यादा मतलब काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इतनी मुश्किल हो रही है पेट्रोल डलवाते हुए, बस सैलरी वगैरह बढ़ने रही, इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम है, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, अभी ये पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा। हुकूमत से क्या लेना देना कि क्या हुकूमत किसी के बारे में क्या सोचेगी? जो हैं अहदेदार वो तो ऊपर बैठे हुए, उनको तो कोई परवाह नहीं है। पिस तो गरीब आवाम रही है, उनको तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं रक्षा पहले भी चलाती थी, गुजारा हो जाता था, अब चलाती हूँ तो बड़ी मुश्किल है। रोजाना का 1000 रुपये का पेट्रोल लगता है, गरीबों के लिए रोजी कमाना मुश्किल हुई हुई है। तो बड़ी उम्मीदों में से भी ये लोग आए हैं, नवाज शरीफ वगैरह मरियम नवाज आई हैं, तो कोई सहूलतें होंगी, कोई नज़र नहीं आ रही। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, देखे हर चीज़ महंगी, पेट्रोल से देखे ना आप, जो जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। गवर्नमेंट से कहेंगे कि उन्होंने तो कहा था हम रिलीफ देंगे, अब रिलीफ नहीं दे रहे। इसके अलावा आपके खाने पीने की जो शेयर है वो महंगी हुई थी, क्योंकि वो कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन से ही चीज़ें आती ही जाती हैं। अब भी यहाँ तो आँखें खुल गई, आप आ गए हैं तो पता चला है पेट्रोल महंगा हो गया है। अब अपनी सीट पर आ गए दोबारा कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, अगर इसके बावजूद ठीक नहीं करते तो फिर नाकामी है उनकी।